तो गाइज आज हम फिर आ चुके हैं एक चमत्कार जादुई ऐप के साथ। एक ये ऐप लाए हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनानी है। ये बहुत मदद करेगा आपकी। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप कोई शादी में गए, आप अपने मस्त स्टार्टअप वगैरह में लगे हुए हो, मतलब ऐसे मस्त बटर चिकन पेला जा रहा है, अगर वेज हो तो मटर पनीर चल रहा है, तभी वहाँ डीजे वाले बाबू एक गाना बजा देते हैं जिसपे एक लौंडा ऐसे मस्त नागिन बन चुका है। तो वो गाना आपको पता लगाना है कि कौन सा गाना है, तो उसके लिए ये ऐप आपकी काफ़ी काम आएगा। तो सीरियसली मैं ये बता रहा हूँ यार, ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ ये ऐप। आप तो आपको ये ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर कहीं पे भी मिल जाएगा, आपको बस वहाँ पर सर्च में जाके टाइप कर देना है शज़ाम, तो वहाँ पर आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। 4.4 की रेटिंग है, 3 मिलियन रिव्यूज़ हैं, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, और एप्पल कंपनी का है यार, तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप एक बार डाउनलोड करना है इसे। तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो अगर आपको जैसे कोई गाना सर्च करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो बीच में ये एस बना हुआ आ रहा है, सिर्फ वहाँ पर उसको टाइप कर देना है, मतलब उसको टैप कर देना है एक बार, तो ये आपके पास जो सराउंडिंग्स है उसके गाने को सुनने लग जाता है, और फिर ये अपने हिसाब से आपको एक रिकमेंडेड सॉन्ग दे देता है। मैं एक सॉन्ग ट्राई करके दिखाता हूँ। अब मैंने पीछे बैकग्राउंड में अपने सॉन्ग प्ले कर दिया, अब इस पर टैप कर देना है एक, तो अब ये लिसनिंग मतलब लिखने सुनने लग जाता है। तो इसने 1 सेकंड में मेरा गाना बता दिया, विद इन 3 सेकंड्स बता दिया होगा आराम से यार। क्रेडल्स मैंने चलाया था अभी ये बैकग्राउंड में, आप इस पर प्ले की बटन पे इसको क्लिक करके प्ले भी करके देख सकते हो। तो एक और गाना मैं सर्च करके देखता हूँ, अभी मैं दूसरा म्यूज़िक बजा रहा हूँ बैकग्राउंड में। वापस से बैक करके फिर वापस उस पर टैप कर देंगे, अभी लिसनिंग चला गया। तो ये आ गया गाने का नाम फ्रीक, ये भी सब अर्बन का ही है, तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लिरिक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो जो जहाँ पर ये है, और आर्टिस्ट का या फिर उसके और भी गाने जितने हैं उस हिसाब से मिल जाएंगे रिकमेंडेड, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सॉन्ग्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप साइड में चार्ट्स में जाओगे तो वर्ल्ड वाइड जो टॉप ट्रेंड्स में होंगे गाने वो मिल जाएंगे। अरे यार कहाँ गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो डिस्कवरी में आपको ये मिल जाते हैं, और साइड में आप लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ पर शज़ाम्स में देखोगे तो मतलब जितने मैंने अभी तक सर्च करे होंगे गाने तो वो यहाँ पर सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और आर्टिस्ट या फिर प्लेलिस्ट के लिए आप अपने मतलब अलग अलग सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी बना सकते हो इसमें, लेकिन एक मैंने आज तक इस पर सर्च नहीं करा। तो डीजे स्नेक यार ये छोटे मोटे बंदे हैं, हम डीजे राजेश को सर्च करेंगे, अगर आपने सुना हो तो, भाई हमारी साइड बहुत फेमस है ये, इसको सर्च कर पाएगा। अबे ये तो इसको डीजे राजेश को ढूंढ ही नहीं पाया यार, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार ऐसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे हमारे डीजे राजेश को तो नहीं ढूंढ पाया, छोटे मोटे सिंगर्स को ढूंढ लेते हैं। अबे यार इनका लेवल थोड़ा सा अलग है, डीजे राजेश भाई का हमारा मतलब बहुत हाई लेवल सिंगर है, तो उसकी वजह से ऐसे कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो बस यार इतना ही था आज की वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको किसी काम की आई हो या फिर आपको ऐप यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके बता देना कहना मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोस। और यार जॉब्स के बारे में गालियाँ मत देना, मुझे पता है बेकार होते हैं, लेकिन मेरे को मज़ा ऐसे ही आता है बनाने में यार वीडियोज़, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, बढ़िया बढ़िया आएंगी वीडियोज़। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड वाली घंटी को बजाना मत भूलना, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसको ज़रूर दबा के जाना। बाय।